हेलो किड्स गुड मॉर्निंग टुडेज आवर टॉपिक इज इंग्लिश सो व्हाट वी विल डू इन इंग्लिश टुडे क्या करेंगे हम इंग्लिश में आज यस वी विल डू डेज ऑफ द वीक हमें पता है ना डेज ऑफ द वीक हमारे ओरल्स में सबके हो गए हैं हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक यस There are seven days in a week. How many days? Seven days. There are seven days in a week. And what are the consequences days of week? Let's start. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday and Saturday. We knew it, na? हमको सबको पता है ना days of week. Let's revise once again. ठीक है फिर से एक बार हम बोलेंगे There are seven days in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,

राइट डाउन टू डेज डेट ईयर एंड राइट ईर डेज ऑफ द वीक ओके फाइ और क्या करना है ऑन द फर्स्ट पेज वी हैव टू ड्रॉ टू लाइन्स ठीक है फर्स्ट है स्पेलिंग मंडे सो राइट डाउन एम ओ एन डी ए वाय मंडे एम ओ एन डी ए वाय मंडे ठीक है देन यर वी विल राइट मंडे के बाद क्या आता है यस ट्यूजडे सो राइट यर ट्यूजडे टी यूएस डी ए वाई ट्यूजडे टी यू ई एस डी ए वाय ट्यूजडे लिखा सबने फर्स्ट फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे एम ओ एन डी ए वाई मंडे सेकेंड डे ऑफ वीक इज ट्यूजडे टी यू ई एस टी ए वाई ट्यूजडे देन थर्ड डे ऑफ वीक इज मंडे ट्यूजडे के बाद क्या आता है यस वेनेसडे सो राइट डब्ल्यू ई डी डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई वैनस्टे डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई वैनस्टे और आपको ये लर्न करना है ओके सो हाउ वी विल लर्न दिस कैसे लर्न होगा यहाँ पर नीचे जो लाइन्स दिख रहे हैं ना ऑन दैट लाइन्स यू हैव टू राइट द स्पेलिंग अभी यहाँ पे मैंने मंडे का एक स्पेलिंग लिख के दिखाया है वॉट यू विल हैव टू डू इज आपको नीचे सब लाइन में मंडे 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 और बोल बोल के लिखना है एम ओ एन डी ए वाय मंडे एम ओ एन डी ए वाय मंडे एम ओ एन डी ए वाय मंडे ऐसे लास्ट तक लिखना है देन द सेम प्रोसेस विल अप्लाई य ट्यूजडे का स्पेलिंग टी यूस डी ए वाय ट्यूजडे टी यूएस डी ए वाय ट्यूजडेन थर्ड डे ऑफ वीक इज वेनजे डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाय वेनसडे ओके नाउ टर्न द पेज वेनसडे की बात क्या आता है ये करेक्ट थर्सडे so we will write here Thursday ka spelling t h p h u r s d a y Thursday t h u r s d a y Thursday बोल बोल के नीचे तक लिखना है हमको ठीक है p h u r s d a y Thursday रिपीट वन सेकेंड टी एच यू आर एस डी ए वाई थर्सडे नाउ नेक्स्ट कौन सा डे आएगा वॉट विल द नेक्स्ट डे वॉट विल कम आफ्टर थर्सडे ये इट इज फ्राइडे सो राइट डाउन योर फ्राइडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सो वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ फ्राइडे एफ आर आई डी ए वाई फ्राइडे एफ आर आई डी ए वाई फ्राइडे एफ आर आई डी ए वाई फ्राइडे यू हैव टू कंटिन्यू टिल एंड पूरा पेज भर के फ्राइडे का स्पेलिंग बोल बोल के लिखना है यू हैव टू से एंड देन राइट बोलना है फिर लिखना है ठीक है देन वट विल कम फ्राइडे के बाद कौन सा डे आता है विच डे विल कम आफ्टर फ्राइडे यस सैटरडे कौन सा आएगा सैटरडे सो राइट डाउन सैटरडे स्पेलिंग एस ए टी यू आर डी ए वाई सैटरडे S A T U R D A B Saturday S A T U R D A B Saturday And the last day is Sunday S U N D A Y Sunday S U N D A -Y, Sunday एस 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 यू एंड डी ए वाई संडे पूरा एंड तक लिखना है सैटरडे भी पूरा पेज लिखना है संडे भी पूरा पेज लिखना है नाओ अभी हमने क्या किया मंडे से वी विल स्टार्ट द डेज ऑफ वीक मंडे ट्यूजडे वेडसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड सनडे बट वाइल टॉकिंग मतलब बोलते वक्त व इन ओवरल्स हाउ वी विल से देर आर सेवन डेज इन अ वीक संडे मंडे ट्यूजडे वेनजडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे मतलब हम ओरल uh, के टाइम पर संडे फर्स्ट लेते हैं करेक्ट तो इन राइटिंग टाइम ऑल्सो यू कैन टेक संडे फर्स्ट इट्स अप टू यू मतलब जरूरी नहीं कि मंडे फर्स्ट लेना है आप यहाँ पर संडे से भी स्टार्ट कर सकते हो जैसे हम ओरल्स में बोलते हैं अदरवाइज दिस इज ऑल्सो द करेक्ट मैथड मंडे से भी स्टार्ट कर सकते हो इट दिस इज ऑल्सो करेक्ट मेथड एंड यू कैन स्टार्ट विथ संडे ऑल्सो ठीक है जैसे जैसे बोलते हो वैसे लिखेंगे तो भी चलेगा और uh, जैसे मतलब मंडे से स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा ठीक है बट द ओनली थिंग इज दैट द स्पेलिंग शुड बी करेक्ट है ना संडे से स्टार्ट करो या मंडे से स्टार्ट करो इट इज नॉट लाइक कि नहीं संडे से स्टार्ट किया तो इट विल गो रॉन्ग नो इट इज नॉट लाइक दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मंडे और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम संडे ठीक है बट स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए नाउ वी वी कैन सी यर एवरी स्पेलिंग द डी ए वाई इज सेम है ना मंडे को एम ओ एन डी ए वाई डे का स्पेलिंग सबको सेम है इज इट सब जगह डे का स्पेलिंग सेम है तो वो हमें इजी होगा लर्न करते वक्त इज इट इजी, ईजी एम ओ एन डी ए वाई मंडे टी यू एस डी ए वाई देखो सब में डी ए वाई डे आ रहा है तो सिर्फ हमें शुरू का स्पेलिंग लर्न करना पड़ेगा टी यू ई एस डी ए वाई ट्यूजडे डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई मैनजडे टी एच U R S D A Y Thursday F R I D A Y Friday S A T U R D A Y Saturday and S U N D A Y Sunday ठीक है तो आज हम क्या करेंगे डेज ऑफ वीक देर आर सेवन डेज इन अ वीक एंड दो सेवन डेज वी विल लर्न टूडे और कैसे लर्न करेंगे वी विल राइट द पे राइट ऑन द पेज पूरा एंड तक मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे ठीक है ये सारा हम आज होमवर्क में करेंगे ओके नाउ क्लोज दिस बुक एंड कीप इट अट बाजू में रख दो कीप द बुक अ साइड

So, आज हम क्या करेंगे फ्रूट्स के नाम नेम्स ऑफ फ्रूट्स वी विल लर्न टूडे और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे फ्रूट्स के नाम लिखेंगे इज हम थोड़े बड़े हो गए हम नर्सरी एल के जी में सारे हमने फ्रूट्स के नाम लर्न किए हैं, वी नो विच इज विच फ्रूट इज दिस विच फ्रूट इज दिस वी ऑलरेडी नो इट बट वी शुड लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ फ्रूट्स दिस ईयर तो आज तो हम स्पेलिंग्स नहीं देखेंगे बिकॉज आज ऑलरेडी हमें डेज ऑफ वीक के स्पेलिंग लर्न करने हैं है ना तो सारा एक साथ तो नहीं हो पाएगा सो वॉट वी विल डू इज वी विल रिवाइज दिस फ्रूट्स इन ओरल टूडे ओके एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल राइट द स्पेलिंग्स Only five fruits will have to learn. कितने करने हैं five fruits. कौन से करने हैं वो मैं आपको next session में बताऊंगी ठीक है अभी तो जरूरी नहीं अभी हमें writing नहीं करना है अभी हमें सिर्फ learning करना है Okay so let's start the fruits. Okay can anyone tell me the which fruit is this? Yes it is a king of fruits. क्या है ये किंग ऑफ फ्रूट दैट मीन्स मैंगो इजेंट इट लुक नाइस सबके मुंह में पानी आ गया ये सबको मैंगो अच्छा लगता है ना एंड सो दिस इज अंग ऑफ फ्रूट एनी मन कैन आस्क यू वन क्वेश्चन दट टेल मी दिच फ्रूट इज द किंग ऑफ फ्रूट तो क्या बताएंगे हम लोग मैंगो मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट नाउ नेक्स्ट फ्रूट इज बनाना विच फ्रूट इज दिस बनाना है ना येलो डे पे हम लास्ट ईयर बनाना लेके आए थे ना सब लोग येस इट इज येलो इन कलर सो दिस इज बनाना नाउ नेक्स्ट फ्रूट इज पाइन एप्पल विच फ्रूट पाइनएप्पल इट हैज थॉन्स ऑन हीज बॉडी बाहर से यहाँ पे थॉन्स रहते हैं लेकिन अंदर से ये बहुत स्वीट होता है और थोड़ा ऐसे खट्टा भी होता है सोर एंड स्वीट टेस्ट होती है उसकी स्वीट एंड सोर टेस्ट एंड वी विल गेट विटामिन सी फ्रॉम दिस फ्रूट हमें इससे क्या मिलता है पाइन एप्पल में से विटामिन सी है ना दिस कैरीज थॉन्स ऑन हिज बॉडी बट इट इज वेरी इस मतलब बहुत जरूरी फ्रूट है हमारी बॉडी के लिए बिकॉज वी विल गेट विटामिन सी आउट ऑफ दिस ओके सो विच फ्रूट इज दिस येस पाइन ऐप्पल नाउ कम टू द नेक्स्ट फ्रूट येस दिस इज एम ऑरेंज क्या है ये ऑरेंज अब अब आपने ध्यान से अगर सुना होगा तो मैंने क्या कहा एन ऑरेंज क्यू मैंने एन ऑरेंज कहा बिकॉज इन फोनिक्स वी हैव ऑलरेडी लर्न हमने वॉवल्स पढ़े है हाउ मेनी वॉवल्स आर देर फाइव ऑवल्स एना ये फाइव ऑवल्स जब आते हैं तो उसके पहले क्या लगता है एन लगता है तो यहाँ पे ओ आया वॉवल्स में का ओ आया है इसलिए मैंने क्या बोला एन ऑरेंज अ ऑरेंज बोला क्या मैंने नहीं द ऑरेंज बोला नहीं आई सेड वट आई सेड एन ऑरेंज बिकॉज ओ इज अ वॉवल ओके सो विच फ्रूट ऑफ इज दिस दिस इज एन ऑरेंज एंड कलर भी उसका ऑरेंज ही रहता है है ना इट इज एन ऑरेंज कलर और इससे भी हमें क्या मिलता है वी विल गेट विटामिन सी आउट ऑफ दिस जितने भी खट्टे फ्रूट्स रहते हैं ना उसमें से जैसे लाइम है ऑरेंज है पाइन है सो uh, so उससे हमें क्या मिलता है वी विल गेट द विटामिन सी विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी है ना सो वॉट इज दिस दिस इज एन ऑरेंज नाव दिस इज एन ऐप एप्पल अब इसको भी मैंने एन एप्पल क्यू बोला बिकॉज दिस इज अवल ए इज अ वावल है ना ए आई ओ यू तो यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है एप्पल का स्पेलिंग सो आई सेड एन एप्पल ठीक है सो एप्पल इज इन रेड कलर कौन से कलर का रहता है एप्पल रेड कलर ये एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर्स अवे मतलब क्या रोज एक एप्पल खाने से हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज इट इज वेरी हेल्थी फूड है ना सो वी शुड ईट एप्पल एवरी डे ओके नाउ नेक्स्ट फ्रूट इज पपाया वॉट इज दिस

कस्टर्ड एप्पल पे क्या होता है इट इज ग्रीन इन कलर एंड उसके ऊपर ऐसे आइज जैसे छोटे 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 बॉल्स रहते हैं और अंदर से भी उसके एवरी बॉल्स इट हैज वन सीड इन साइड द कस्टर्ड एप्पल अंदर एक ब्लैक कलर का सीड रहता है सो दिस इज कस्टर्ड एप्पल इट इज ग्रीन इन कलर नया नेक्स्ट इज ग इससे भी हमें क्या मिलता है विटामिन सी वी विल गेट विटामिन सी फ्रॉम दिस फ्रूट गवावा मीन्स वर्ट पेरू है ना तो जिससे मैंने जैसे बोला कि जितने भी खट्टे फल है उसमें से हमें विटामिन सी मिलता है सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देम ठीक है वी विल गेट विटामिन सी आउट ऑफ दिस नेक्स्ट इज स्वीट लाइम इट इज येलो इन कलर दिस फ्रूट इज स्वीट लाइम

Now, next fruit is chiku. Subse sweet fruit. Hai na? So this is a chiku. And the last but not the least is a grapes. We like the grapes. How is it grapes? Okay, it is it comes in a bunch. Grapes always comes in bunch. Bunch aata hai grapes. Okay, so let's revise it once again. Mango, banana, pineapple, orange, apple, papaya, custard apple, guava, sweet lime, watermelon, chiku, and grapes. Okay, so these are the fruits now. Can anyone tell me which of this fruit? concept fruit hai? Name this fruit. Yes. This is a grapes. concept fruit hai ye? This is a grapes. Correct. Now. Now. Can anyone tell me the name of this fruit? Yes. It has thorns on his body. So, this is a पाइन ऐप्पल विच फ्रूट इज दिस दिस इज अ पाइन ऐप्पल कौन सा फ्रूट है पाइन ऐप्पल ओके नाउ कैन एनी वन टेल मी द नेम ऑफ दिस फ्रूट कौन सा फ्रूट है यस दिस इज अ पप्पाया कौन सा है दिस इज अ पपाया कौन सा फ्रूट है पपाया यस Now, the next fruit is. Name this fruit. Yes, this is a banana. It is yellow in color. Which fruit is this? Banana. And can anyone tell me the name of this fruit? Yes, this is an orange. Konsa fruit hai? सो okay. so, आज हमने क्या क्या सीखा आज हमने डेज ऑफ वीक सीखा जो हमें स्पेलिंग्स लर्न करने हैं और लिखने हैं दैट वॉज आवर होमवर्क एंड हमने क्या, क्या? Fruits revision किया फ्रूट्स का रिविजन किया ओके सो दैट्स इट फॉर द डे थैंक यू थैंक लॉर्ड बाय बाय हैव अ नाइस डे